देखो, मैं अपने एक फ्रेंड से जॉन विक के बारे में बात कर रहा था और तभी हमें ये क्लिक हुआ कि आखिर जॉन विक को बाबा यागा कहते क्यों हैं। हम दोनों ने अपने अपने रीजंस, अपने आंसर्स दिए, पर हम दोनों ही एक दूसरे के आंसर से सेटिस्फाइड नहीं थे। और जब मैंने बाद में इसके आंसर्स खोजे तब मुझे काफ़ी नई चीज़ें पता चली। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ। तो जिन लोगों ने जॉन विक देखा है वो इस वीडियो को तो पूरा ज़रूर देखना, और जिन लोगों ने जॉन विक नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद जाकर जॉन विक देख सकते हो, तुम्हारे लिए कुछ स्पॉइल नहीं होगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बाबा यागा का क्या मतलब होता है। जब मैंने बाबा का मतलब सर्च किया तो ऑलमोस्ट सारे कल्चर्स में बाबा का मतलब कोई एल्डरली ही होता है, कोई हमसे बड़ा। और यागा का जब मैंने मतलब सर्च किया तब मुझे पता चला कोई ऐसी वुमेन जिसके पास ब्लैक मैजिक होता है, मतलब डायन। तो ओवरऑल बाबा यागा का मतलब यही निकलता है, अ एल्डरली विच, एक बूढ़ी डायन। जॉन विक मूवी में बाबा यागा का टर्म रशियन माइथोलॉजिकल स्टोरी से लिया गया है, और बाबा यागा एक ऐसा क्रीचर है जिसे सारे बहुत डरते हैं, और इसे एक तरह से समझ में आता है कि जॉन विक को बाबा यागा क्यों कहते होंगे। और जॉन विक मूवी में जॉन विक को बूगी मैन भी कहा गया था। उसकी पहली मूवी में वीगो त्रासोव जब अपने बेटे लोसेफ को बोलता है कि अब तुम्हें जॉन विक छोड़ेगा नहीं, तब लोसेफ उसे बोलता है कि क्या वो बूगी मैन मुझे मारेगा। और अब तुम्हें लग रहा होगा कि बाबा यागा तो समझ में आ नहीं रहा है और ये क्या बूगी मैन हमें बताने लगा। तो मैं तुम्हें बस सिंपल शब्दों में इतना बता दूं कि बूगी मैन भी एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर ही है रशियन टेल्स में, जो बहुत पावरफुल है, उससे भी सब बहुत डरते हैं, लेकिन वो बाबा यागा उतना पावरफुल नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जॉन विक को बाबा यागा स्क्रीन राइटर की गलती की वजह से मिल गया। स्क्रीन राइटर ने अच्छी से रिसर्च नहीं किया कि बाबा यागा क्या होता है, एक डायन, और जॉन विक को ये नाम दे दिया। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये स्क्रीन राइटर की गलती की वजह से जॉन विक को बाबा यागा कहते हैं, पर मुझे लगता है कि ये कोई गलती नहीं थी, इसे सोच समझ कर मूवी के अंदर डाला गया था। और जॉन विक को बाबा यागा इसलिए शायद कहते हैं उसकी खौफ की वजह से, जैसा खौफ बाबा यागा से स्टोरीज में बाकी सब का था, वैसा ही खौफ जॉन विक के दुश्मनों का जॉन विक से है। तो बस इस रिलेशन को दिखाने के लिए, खौफ का रिलेशन को दिखाने के लिए जॉन विक को बाबा यागा कहा गया होगा। देखो, अगर तुमने जॉन विक नहीं देखी है और मुझे तुम्हें जॉन विक के बारे में बताना हो तो मैं तुम्हें सिंपल शब्दों में बस यही बोलूँगा कि जॉन विक वो है जिसे पंगा लेने से पहले कोई भी 100 बार सोचता है। जॉन विक वो है जो किसी मास्टरमाइंड के भी पसीने छुड़ा दे। इन शॉर्ट कहे तो बूगी मैन काफ़ी लोगों के लिए नाइटमेयर है, पर जो बूगी मैन का नाइटमेयर है वो है जॉन विक। तो अगर तुमने जॉन विक नहीं देखी है तो इस वीडियो को खत्म करने के बाद जॉन विक जरूर देखना, बहुत अच्छी मूवी है, या ये कहें एक मास्टरपीस है। एक्शन मूवीज की दुनिया में जॉन विक ने एक अपना अलग ही नाम बना लिया है, और जॉन विक को बाबा यागा क्यों कहते हैं मूवी देखने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा, उसकी इंटिमिडेटिंग नेचर को देखकर। और देखो, इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कुछ अगर फीडबैक हो तो नीचे कमेंट में लिख सकते हो, इस वीडियो को थोड़ा फैला दो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, और बाकियों से भी करवा दो। ठीक है, तब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।